ओम नमः शिवाय। चलिए देखते हैं कब आपकी विश पूरी होने वाली है। मन में जल्दी से एक विश सोच लीजिए जो आप चाहते हैं कि पूरी हो। हम देखते हैं कि वो विश आपकी कब पूरी होगी, कितना टाइम लगेगा उस विश को पूरा होने में, वो विश पूरी होगी या नहीं होगी। अब वो विश चाहे आपकी नौकरी से रिलेटेड हो, आपके घर, कोई कई लोगों को घर बनाना है, घर खरीदना है नया, अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं, शादी करनी है, कोई भी जिस भी विश का या जो भी चीज़ आपके मन में आ रही है वो इस टाइम सोचिए। आंखें बंद कीजिए, 3 बार उसके बारे में सोचिए और तब तक हम रीडिंग करते हैं कि क्या वो विश पूरी होगी या नहीं होगी और कब तक होगी। देखते हैं। देखिए, अगर आपकी वो विश फैमिली से रिलेटेड है, शादी करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए वेट कर रहे हैं, हाँ जी, वो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। ठीक है। फिनेंशियली अगर आप वो विश, आपकी विश फाइनेंस से रिलेटेड है, तो हाँ जी, वो विश आपकी पूरी होगी, बट इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा अभी। ठीक है। थोड़ा सा इमोशनल फ्रंट पे अगर आप चल रहे हैं इस टाइम, कोई रिलेशनशिप्स में वेट है, मतलब माने कि आप किसी को पसंद करते हैं और अभी तक आप उनको बोल नहीं पा रहे हैं, तो उसमें अभी मुझे थोड़ा सा डिले दिख रहा है। अभी थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद अपने पार्टनर को, पार्टनर तो अभी नहीं है, पार्टनर बनेंगे, बट उनको बोलने के लिए अभी थोड़ा सा रुकिए, अभी वेट कीजिए। ये सही समय नहीं रहेगा उनको प्रपोज करने का या उनको अपने मन की बात करने का। एक जिसे होता ना तरीका, एक प्रॉपर तरीके के साथ अगर आप जाएंगे या किसी की एक मदद लेकर, किसी के सही रास्ता चुनकर अगर आप निकलेंगे, तो आपकी विश डेफिनेटली पूरी होगी। थोड़ा सा ना कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों का अगर कोर्ट में केस चल रहा है, कोई लॉ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे उसमें अभी इस टाइम थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का केस के ऊपर केस बन जाए, कोई कोई लीगल प्रॉब्लम आ जाए, कोई कोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा इस टाइम, किसी पे ना एकदम विश्वास मत कीजिए इसलिए। ठीक है। आपकी लाइफ में मुझे डेफिनेटली कुछ एडवेंचरस होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग ना जैसे रिस्क लेकर आगे बढ़ने को सोच रहे हैं इस टाइम, वो मत कीजिए इस टाइम, रिस्क मत लीजिए। क्योंकि अगर आप रिस्क लेके आगे बढ़ते हैं तो वो डिसीजन आपका जल्दबाजी में किया गया हो सकता है, उस चीज से अभी थोड़ा सा बच के चलिए। बिकॉज अगर आप रिस्क लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देगा वो आगे जाकर। अभी आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, आगे जाकर आपको उसकी दिक्कत आएगी। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि वो दिक्कत मुझे डेफिनेटली आती हुई दिख रही है आगे जाकर। केयरफुल रहिए। ऐसा नहीं है कि आप वो केस हार जाएंगे या कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट प्रॉब्लम आएगी, डेफिनेटली आएगी। थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आपके साथ अनफेयर हो जाए इस टाइम। कुछ लोग आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे, मान लीजिए आप किसी से पैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपका पैसा अभी नहीं मिलेगा। अगर आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई और देना दे, ये इंसान मेरा साथ जरूर देगा, इस टाइम ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा किसी से। और खुद भी आप हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्पलेस फील कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि ये दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी मदद कर सकता है या करने को तैयार हो रहा है, बट ये सिर्फ एक फेज है, 6-7 महीने का फेज है, निकल जाएगा जल्दी, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। रादर 22 अक्टूबर के बाद चीज़ें मुझे थोड़ी सी बेटर होती हुई डेफिनेटली दिख रही हैं आपकी रिलेशनशिप में भी और काम में भी। अब बात कर लेते हैं काम की। काम थोड़ा सा इस टाइम चैलेंजेस आ सकते हैं। काम बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत ज़्यादा उसमें नहीं आएगी, पर चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं काम में। जो चीज़ें आज होनी थी वो डिले होके कल हो जाए, परसों हो जाए, उस तरह से चैलेंजेस आ सकते हैं। या जो चीज़ें आपको लग रहा था कि ये तो आराम से मैं कर जाऊंगा या इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें प्रॉब्लम आएगी। रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, जो मैंने पहले भी बोला था कि फैमिली वाइज, रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छा है। आपकी विशेज डेफिनेटली पूरी होंगी। कुछ लोग आप में से हो सकता है कि बहुत जल्दी कंसीव कर जाए, येस, रिलेशनशिप्स वाइज बहुत अच्छा है, मन खुश रहेगा आपका। काम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, नए रिलेशनशिप्स बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट ऑलरेडी जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें
अच्छा रहेगा। आगे जाके काम का थोड़ा सा संभल के चलिएगा, पेशेंस रखिएगा, सब ठीक रहेगा। थैंक यू।